भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया रंगरा चौक पर मिठाई दुकान में लगी आग, 10 दुकान जलकर हुए राख, लाखों का नुकसान। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगरा चौक स्थित रंगरा सुकटिया PWD सड़क किनारे बने मिठाई दुकान में आग लगने से कुल 10 दुकानें जलकर राख हो गए। इसके फलस्वरूप लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। इस आगजनी में दुकानों में रखे दुकानदारों के नगदी, फ्रिज, बर्तन, दुकानदारी के सामान सहित कई कीमती सामानें जलकर राख हो गई। घटना गुरुवार की देर रात्रि लगभग 2 बजे के बताई जा रही है। घटना के वक्त देर रात्रि होने के कारण घटनास्थल के आसपास लोगों की मौजूदगी कम थी। जो भी लोग थे वे सोए हुए थे, जिसके कारण समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटनास्थल के समीप अपने घरों में सोए लोग आग की तपिश और लपटें देखने के बाद अपने घर से निकले। तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया था। आनन-फानन में मौजूद लोगों ने आग लगने की जानकारी घटनास्थल से महज कुछ दूरी पर अपने आवास में मौजूद रंगरा थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह को दी। जानकारी मिलते ही रंगरा थाना अध्यक्ष द्वारा नवगछिया एवं गोपालपुर थाने से अग्निशमन विभाग की 3 दमकल गाड़ियों को मंगवाया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब तक दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती तब तक सभी दुकानें आग की भेंट चढ़ चुकी थी। वहीं आग लगने की घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कई दुकानदार किसी उचक्के द्वारा दुकानों में जानबूझ कर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आग लगाने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके रंगरा पुलिस घटना के कारणों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। वहीं घटना के वक्त मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद जब गैस सिलेंडर की फटने की आवाज हुई तो हम लोग दौड़कर बाहर निकले, आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर से गैस सिलेंडर फटने की आवाज और उड़ते हुए सिलेंडर को देख आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गैस सिलेंडर आग लगने के कारण 20 फीट ऊपर उड़ रहा था। गैस के कारण ही दुकानों में आग की लपटें पहुंच गई, जिससे सिलसिलेवार रूप से 10 दुकानें जलकर राख हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं पूछे जाने पर अंचलाधिकारी ने कहा कि सभी पीड़ित दुकानदारों से आवेदन लिया गया है। आवेदन को अग्रसरित कर अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा ताकि दुकानदारों को सरकार द्वारा निर्धारित राहत राशि मिल सके। वहीं पूछे जाने पर मिष्ठान दुकानदार दिलीप कुमार शाह ने बताया कि 10 दुकानों में कुल 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। मेरे दुकान में रखे सभी मिष्ठान, फ्रिज, कुर्सी, टेबल के अलावे मिष्ठान काउंटर और मिष्ठान बनाने की सामग्री दुकान सहित जलकर राख हो गया है। वहीं पीड़ित दुकानदार बूचो शाह और रंजन शाह ने भी यही बात बताया। काबू पाया गया, अब भयानक लगी हुई है।
नवगछिया NH 31 पर अंगराज चौक के समीप ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत, दो घायल। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा चौक के समीप NH 31 सड़क मार्ग पर शुक्रवार की शाम के 6 बजे करीब ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में दोनों घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना में घायल लोगों की पहचान सीमापवर्ती कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरिया निवासी शिव कुमार राय 45 वर्षीय, पिता फकीर राय एवं विनोद कुमार यादव 50 वर्षीय के रूप में की गई है। दुर्घटना के बाद सूचना पर पहुंची रंगरा पुलिस ने दोनों घायलों को रंगरा PSC पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मिली जानकारी अनुसार हुंडई क्रेटा कार तेज रफ्तार में नौगछिया से कुर्सेला की ओर जा रही थी, इसी दौरान अंगरा चौक के समीप ओवरटेक करने के चक्कर में विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में कार के परकच्चे उड़ गए। दुर्घटना में चालक सहित कार पर सवार एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए, तो वहीं दूसरी ओर ट्रक के चालक और खलासी को भी मामूली चोटें आई है। अंगरा थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR11S5565 है, जिससे हुंडई क्रेटा कार BR HN5049 टकरा गया, जिससे दो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए हैं और जिसका प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया जा रहा है। घटना के बाद रंगरा पुलिस द्वारा दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33। IS IPS फाउंडेशन क्लासेस, अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नवगछिया गोपालपुर में मानव श्रृंखला की तैयारी प्रारंभ, डेमो कर किया गया शुरुआत। जल जीवन व हरियाली को लेकर CM नीतीश कुमार के निर्देश पर 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु गोपालपुर प्रखंड में जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए BDO प्रियंका ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से लेकर मकनपुर चौक तक तथा प्रखंड मुख्यालय से तिनटेंगा जहाज घाट तक 15 किलोमीटर में जल जीवन हरियाली, दहेज उन्मूलन व शराबबंदी की सफलता हेतु 19 जनवरी को मानव श्रृंखला गोपालपुर में बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी सफलता हेतु सभी विभागों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों, आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं व जीविका दीदियों को इसमें महती जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 2 जनवरी से कार्यक्रम की सफलता हेतु साइकिल मोटरसाइकिल रैली, विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता व गांव मोहल्ले में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका तथा आशा द्वारा जन जागरण लगातार किया जाएगा। नवगछिया मानव श्रृंखला को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में किया गया समीक्षा बैठक। नवगछिया के प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आगामी 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मानव श्रृंखला में सेक्टर 1 से 246 तक सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठक किया गया, जिसमें जीविका, शिक्षा, बाल विकास एवं स्वास्थ्य, मनरेगा एवं कृषि और जनप्रतिनिधि ने भाग लिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी को निर्देश दिया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर 200 महिला पुरुष बच्चे को खड़ा करना है।
जिसमें जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक घनश्याम दीनबंधु ने अपने स्टाफ के साथ चर्चा कर 50 सेक्टर में महिला भागीदारी का सूची प्रस्तुत किया। इसके बाद शिक्षा विभाग के विभिन्न संकुल प्रभारी ने सूची प्रस्तुत किया। बैठक में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अशफाक अंसारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अजय झा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित कई अन्य ने भाग लिया। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों, डीलर, आंगनबाड़ी सेविका, नगर पंचायत के साथ बैठक करने का भी निर्णय लिया। नवगछिया आरपीएम ने अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। लेबर रूम में हीटर की व्यवस्था बढ़ाने एवं सफाई में सुधार के दिए निर्देश। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक अरुण प्रकाश ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के लेबर रूम, मरीज वार्ड, महिला वार्ड, ओटी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो भी कमियां पाई उन कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया। लेबर रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेबर रूम में लगे स्वास्थ्य उपकरणों को ड्यूटी पर मौजूद नर्स रूमा कुमारी एवं मीना भारती से स्वास्थ्य उपकरणों को संचालित करवाकर देखा। लेबर रूम में लगे उपकरण के संचालन में उन्होंने काफी कमी पाई जिसमें उन्होंने सुधार करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने ठंड को देखते हुए वार्ड एवं लेबर रूम में लगे हीटर के बाद भी तत्काल ठंड को देखते हुए हीटर बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में प्रतिनियुक्त नर्स को NBCC मशीन एवं उससे संबंधित कई प्रकार के मशीनों का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता होने की बात कही। वहीं इस मौके पर डॉक्टर वरुण कुमार, डॉक्टर ज्योत्सना झा, ICTC के परामर्शी अजय कुमार सिंह, टेक्नीशियन अजीत प्रकाश, केयर इंडिया के जितेंद्र कुमार, आशा कोऑर्डिनेटर कुणाल कुमार, विभा सिंह सहित अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। नवगछिया के जगतपुर में 15 लाख की लागत से बनने वाले सड़क का शिलान्यास कार्य शुरू। नवगछिया प्रखंड के जगतपुर पंचायत अंतर्गत सुदूरवती जबतेली गांव में 15 लाख की लागत से बनने वाले PCC सड़क का शिलान्यास शुक्रवार को मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव और ग्रामीण विकास विभाग के कनीय अभियंता पूर्णिमा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर जानकारी देते हुए कनीय अभियंता ने बताया यह सड़क जबतेली गांव के मटरू राम के घर से रामजी राम के घर तक बनेगी। शिलान्यास के साथ ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 4 से 5 दिनों में ही निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा। कनीय अभियंता ने कहा कि इस सड़क का निर्माण हो जाने के बाद जब पहली बार गांव के लोगों को काफी सहूलियत होगी तो लोग भी झूम उठेंगे। वहीं इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव, कनीय अभियंता पूर्णिमा कुमारी, वार्ड सदस्य रामजी राम साहेब यादव सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया शादी की नियत से अपहरण के मामले का आरोपी गिरफ्तार। शादी की नियत से अब लड़की के अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी कार्य कुमार यादव पिता कुलदीप यादव को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राज कपूर कुशवाहा ने बताया इनके विरुद्ध 10 मार्च को लड़की का शादी के नियत से अपहरण का मामला थाने में दर्ज था जिस मामले में कार्य यादव फरार चल रहा था। कार्य यादव को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया में सम्मेलन को लेकर विधायक का दौरा। गोपालपुर विधानसभा के विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने 4 जनवरी को होने वाले गोपालपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर नवगछिया और इस्माइलपुर प्रखंड का दौरा किया। ज्ञात हो कि 4 जनवरी को जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन नवगछिया हाईस्कूल प्रांगण में दिन के 11 बजे होगा। विधायक ने कहा कि हमारी पार्टी की पहुँच निचले स्तर पर काफी मजबूत है। आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बूथ जीतो चुनाव जीतो के लक्ष्य पर सबको काम करना है। वहीं मौके पर विधायक गोपाल मंडल के द्वारा नवगछिया प्रखंड के 7 पंचायत और इस्माइलपुर प्रखंड के 5 पंचायत के बूथ के अध्यक्ष सचिव को परिचय पत्र वितरण किया गया। साथ ही नवनियुक्त मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार व गोपालपुर विधानसभा प्रभारी प्रिंस कुमार को सम्मानित किया गया। मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध चौहान, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, इस्माइलपुर प्रखंड अध्यक्ष चंद्रिका मंडल, मुन्ना जायसवाल, मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार, त्रिपुरारी कुमार भारती, चंदन राय, प्रिंस कुमार, कंगाली मंडल, आनंदी मंडल सहित कई अन्य मौजूद थे।